नमस्कार दोस्तों, अडानी मामले की गूंज ब्रिटेन तक सुनाई दे रही है। उनकी कंपनी में निवेश करने वाली जो कंपनी है एलारा, उनके निदेशक, उनके प्रमुख जो जॉनसन, लॉर्ड जो जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा है। और ये आदमी कोई आम आदमी नहीं है, ये ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई हैं। उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। मगर यहां भारत में जो हो रहा है ना दोस्तों, वो कल्पना से भी विचित्र है। क्या आप जानते हैं, मोदी सरकार ने इस मामले की जांच करने से सिरे से मना कर दिया है। आपके स्क्रीन पर देश के संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, आप देख सकते हैं आज तक की इस खबर के मुताबिक, पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि क्या इस मामले की जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच होगी, तो उन्होंने कह दिया, और मैं उन्हें कोट करना चाहता हूं, कि इस मामले से सरकार का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इस मामले की जांच नहीं कराई जाएगी। ब्रिटेन में गर्दनें उड़ रही हैं दोस्तों इस मुद्दे को लेकर, और हमारे मंत्री महोदय कहते हैं कि इस मामले की जांच की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने उग्र तेवर अपनाए हुए हैं दोस्तों। कांग्रेस ने क्या कहा है वो मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा, मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह मामला गंभीर क्यों है और एलारा कंपनी से किस व्यक्ति ने इस्तीफा दिया है, उसके इस्तीफे क्या क्या मायने हैं। सबसे पहले यह खबर आपके सामने, अडानी से जुड़ी कंपनी में पहला बड़ा इस्तीफा, इस शख्स ने छोड़ा डायरेक्टर का पद। खबर क्या है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हिंडनबर्ग विवाद के बीच गौतम अडानी समूह से जुड़ी ब्रिटेन की कंपनी एलारा कैपिटल में बड़ी हलचल है। इस कंपनी के डायरेक्टर लॉर्ड जो जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि लॉर्ड जो जॉनसन ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के छोटे भाई हैं। वे पिछले साल एलारा कैपिटल से जुड़े थे। एलारा कैपिटल वही कंपनी है जिसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में संदिग्ध पाया गया था। अब इस एलारा कंपनी का अडानी ग्रुप से क्या लेना देना है वो ध्यान से सुनिएगा। एलारा कैपिटल खुद को कैपिटल मार्केट की कंपनी बताती है, जो भारतीय कंपनियों के लिए धन जुटाने या मैनेज करने का काम करती है। यह कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ के 10 बुक अर्नर्स में से एक थी। अब जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी दोस्तों, उसमें एलारा के बारे में क्या कहा गया था वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो काफी चौंकाने वाला है। आपके स्क्रीन पर, बीते 24 जनवरी को अमेरिका की शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी समूह पर अपनी 106 पन्नों की रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में एलारा कैपिटल का कई जगह जिक्र है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि एलारा कैपिटल द्वारा संचालित मॉरिशस स्थित फंड मैनेजर अडानी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर मूल में हेरफेर करने की योजना का हिस्सा थे। हालांकि अडानी समूह ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया था। एक बार फिर गौर कीजिए क्या लिखा हुआ है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि एलारा कैपिटल द्वारा संचालित मॉरिशस स्थित फंड मैनेजर अडानी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर मूल्य में हेरफेर करने की योजना का हिस्सा थे। इतना बड़ा आरोप दोस्तों, और उसी के चलते लॉर्ड जो जॉनसन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। हाहाकार मचा हुआ है ब्रिटेन में, और यहां पर भारत के अंदर क्या हो रहा है, यहां भारत के अंदर स्टॉक बाजार में अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर को लेकर लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। और हमारी सरकार जांच नहीं करा रही है। जांच क्यों नहीं करा रही है उसका कारण बस कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं स्टॉक मार्केट में क्या हाहाकार मचा हुआ है दोस्तों। अडानी एंटरप्राइजेस आज बंद हुआ 1533 रुपए पर, कल के मुताबिक 31 रुपए का नुकसान, 2% की गिरावट। मैं आपको बता दूं कल ये बंद हुआ था 1560 रुपए पर, और नुकसान कल कितना था, 575 रुपए, यानी 27% का नुकसान था यहां पर। यह हाहाकार मचा हुआ है दोस्तों, और हमारी सरकार जो है इस मामले की जांच तक नहीं कराना चाहती, जो अपने आप में कितने शर्म की बात है। इन्होंने अपने तमाम पालतुओं को लगा रखा है दोस्तों, वो पालतू मीडिया से लेकर फिल्म मेकर्स, तमाम लोग जिस वक्त अडानी की बैटिंग कर रहे हैं। मगर अभी अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि आखिर बीजेपी सरकार इसकी जांच क्यों नहीं करना चाहती है, तो मैं आपको आज से करीब 9 साल पहले लेकर चलना चाहूंगा, साल 2014, फोर्ब्स की रिपोर्ट देखिए। मौका मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, मौका था गौतम अडानी के बेटे की शादी, और ये शादी कहां हो रही थी,
गोवा में हो रही थी। फोर्ब्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी के मेहमानों की सूची में कई लोग थे। इसमें टॉप एग्जीक्यूटिव्स थे, बैंकर्स थे, ब्यूरोक्रेट्स थे और कई राजनेता थे, मगर एक शख्स तमाम मंत्रोच्चारण फेरों, तमाम समारोहों में रुका रहा और अंत तक रुका रहा। यह शख्स, ये गुमनाम शख्स कौन है? फोर्ब्स के मुताबिक ये शख्स थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फोर्ब्स की रिपोर्ट क्या कहती है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। मोस्ट हाउएवर जस्ट स्टॉप बाय द नाइट बिफोर टू ब्लेस द हैप्पी कपल एंड स्किप्ड द एक्चुअल वेडिंग, बट वन प्रोमिनेंट फ्रेंड स्टेड थ्रू ऑल द सेरेमनीज ओवर द कपल ऑफ डेज, जीनियल एंड रिलैक्स लाइक अ फेवरेट अंकल। इट वॉज नरेंद्र मोदी, चीफ मिनिस्टर ऑफ अडानीज होम स्टेट ऑफ गुजरात। फोर्ब्स की रिपोर्ट जिसका शीर्षक है डूइंग बिग बिजनेस इन मोदीज गुजरात, ये बता रहा है कि एक व्यक्ति अंत तक रुका रहा, जो लगातार हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, तमाम मेहमानों की आवभगत कर रहा था, और ये व्यक्ति कौन थे? गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी इससे पहले भी आप जानते हैं अडानी जी के प्लेन में दिखाई दे चुके हैं। क्या यही वजह है कि प्रहलाद जोशी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस मामले की जांच नहीं होगी? इतना बड़ा मामला है और आप इसकी जांच नहीं कराएंगे? सबसे अजीब और गरीब बात दोस्तों, आज सुबह ही मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इनके तमाम गुल्लू कालू पापा की परियां गौतम अडानी की बैटिंग करने प्राइम टाइम में उतर गए हैं। अब ये जो तमाम फर्जी फिल्म मेकर्स हैं दोस्तों, वो भी उतर रहे हैं आपके स्क्रीन पर। विवेक रंजन अग्निहोत्री जो एक जमाने में निहायत ही अश्लील फिल्म बनाया करते थे और फिर जब ये सरकार आ गई तब प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनाने लग गए, वो क्या कह रहे हैं अंग्रेजी में पढ़ के सुनाना चाहूंगा, फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करता हूं। आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हेन वेरियस स्टेट कांग्रेस गवर्नमेंट्स मोस्ट फेवरेट इन्वेस्टर इज अडानी, देन व्हाई आर दे ट्वीटिंग अगेंस्ट अडानी? इजंट इट ट्रू दैट अडानी वॉज नर्शर्ड ड्यूरिंग कांग्रेस गवर्नमेंट्स रूल? विवेक अग्निहोत्री यहां बोल रहा है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि कांग्रेस की तमाम सरकारों में सबसे पसंदीदा जो निवेशक था वो गौतम अडानी थे, फिर कांग्रेस के नेता अडानी के खिलाफ क्यों बयान दे रहे हैं? विवेक अग्निहोत्री का यह भी कहना है कि क्या यह सही नहीं है कि गौतम अडानी का पालन पोषण कांग्रेस की सरकार के दौरान हुआ था? चलिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, क्योंकि आपको याद होगा कि एक न्यूज एंकर ये कार्यक्रम चला रहा था कि मनमोहन सिंह और राजीव गांधी के दौरान गौतम अडानी को बहुत फायदा हुआ था। हालांकि मैं आपको बता दूं, फोर्ब्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से पहले अडानी दुनिया के 609वें सबसे धनी व्यक्ति थे, मगर मोदी जी के राज में वो दूसरे नंबर पर आ गए। कोई भी पालतू, कोई भी चाटुकार आपको ये जानकारी नहीं दे रहा है। 609 से नंबर दो, फिर नंबर चार, अब शायद 20 के नीचे आ गए। मैं विवेक रंजन अग्निहोत्री जैसे लोगों से पूछना चाहता हूं, तो ठीक है, जांच कराई जाए, कांग्रेस ने गड़बड़ की है उसे भी कटघरे में रखा जाए। बहरहाल कांग्रेस इस पर खासी उग्र है। क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे अपने उग्र अंदाज में, आइए सुनते हैं। देखिए, सभी पार्टियां मिलके हमने एक स्टैंड लिया है कि ये जो LIC के पैसे उनका जो बर्बादी हुई है और SBI बैंक से भी लोन लेकर पंजाब नेशनल बैंक भी उसमें इन्वॉल्व है, शायद ऐसे बहुत से संस्थाएं हैं, आर्थिक संस्थाएं, वो सभी ने पैसा इस अडानी एंटरप्राइज में लगाया है। तो हम किसी को व्यक्तिगत या किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं कर रहे, हमारा टारगेट ये है कि सामान्य जनता का पैसा जो उसमें फंसा हुआ है और आज दिवाला हो रहा है कि LIC में और SBI में, सामान्य जनता वहां पर अपनी पॉलिसी होल्डर्स के पैसे उसमें है, SBI में कॉमन मैन के पैसे डिपॉजिट रखे गए हैं, तो इन पैसों के लिए एक घोटाले के बारे में हम ये चाहते हैं कि एक इंक्वायरी हो, या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से हो या
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में डे टू डे बेसिस पर उसकी इंक्वायरी होके जो भी इसमें गलतियां किए हैं, जिस जो भी हो सकता है, कल के दिन से भी उन्होंने क्यों नहीं देखा या आरबीआई ने इसके ऊपर क्यों नहीं सोचा, ये सारी चीजें उस वक्त आएगी और जो भी चीजें बाहर निकलेगी तब उसके तहत जिस पर एक्शन लेना है क्या करना है। तो ये है कांग्रेस के तेवर। और मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर शुरू से ही लगातार गौतम अडानी और प्रधानमंत्री दोनों को साथ रखकर उन पर हमले बोल रहे हैं। थ्रू आउट पूरी भारत जोड़ो यात्रा में उनका यही कहना था कि सरकार ने इस देश की युवा किसान मजदूर की अनदेखी की है और सारा का सारा ध्यान अपने परम मित्रों की तरफ गया है और उनका हमला दो उद्योगपतियों पर, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, और गौतम अडानी इस वक्त जबरदस्त मुश्किल में है। सीधी सी बात है दोस्तों, जांच कराई जाए, जेपीसी की जांच कराई जाए, स्वतंत्र जांच कराई जाए, आखिर डर किस बात का है? क्या डर इस बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के तार काफी इंटिमेट हैं, काफी जुड़े हुए हैं, काफी अंदरूनी ताल्लुकात हैं, और कहीं ना कहीं भाजपा इस बात से डरती है? और अगर ताल्लुकात हैं भी तो क्या कोई ऐसी राज की बात है जो अगर देश के सामने आ गई तो मुश्किल हो जाएगी? हाथ कंगन को आरसी किया, जांच करा ली जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों, सही कहा या गलत कहा? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।